welcome at my channel Shweta 2020. Now we will start with the properties of air. अब हम एक एक करके air की properties करेंगे जो कि बहुत ही interesting होने वाली हैं. So number one property of the air is air exerts pressure. जो air है वो अपना उसमें एक force होता है, pressure होता है, जिसकी वजह से ही अगर हम देखें कि लीव्स हिल रही हैं तो एयर ने उस पर इतना प्रेशर डाला, इतना फोर्स डाला कि उस लीव्स को, उन कोई भी क्लोथ्स है, वट एवर कोई भी चीज़ है, कि कैसे वो हवा से हिल गई, विंड ब्लो हुई और वो कैसे हिल गई. क्यों? क्योंकि जो हवा है उसमें उतनी फोर्स थी उसको हिलाने के लिए, उतना प्रेशर था कि चीज़ को उसकी जगह से मूव करवा सके. और जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, रादर सारी डायरेक्शन में करती है, चाहे अप डाउन हो या साइडवेज हो. सो हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला है एयर के बारे में ही, इट एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस. कुछ एग्जांपल्स देखें अगर हम इसके, तो सो व्हाइल राइडिंग ए बाइसाइकिल और रोइंग द बोट, आपने देखा होगा कि जब आप साइकिल चलाते हो, बाइसाइकिल राइड करते हो, तो अगर तो आपकी डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन के अलोंग है, मींस आप भी बाइसाइकिल इस डायरेक्शन में चला रहे हो और हवा भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो साइकिल बहुत ही भागती जाएगी, बड़ी इजीली आप उसको मूव करवा सकते हो. बट अगर आपकी जो साइकिल है विंड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी अपनी साइकिल को मूव करवाने के लिए. क्यों? कौन सी ऐसी चीज है कि एक तरफ जाते वक्त तो आपको बड़ा इजीली आपने राइड कर लिया साइकिल को, और दूसरी साइड जाते वक्त जो है आपको इतना फोर्स लगाना पड़ता है. क्यों? कहां से आया है वो ऑपोजिट फोर्स, जिसके अगेंस्ट आप अपना फोर्स लगा रहे हो, वो होती है विंड का, एयर का प्रेशर. सिमिलरली बोट रो करते वक्त जब बोट जाती है पानी में, तो भी चाहे आप देखा है आपने, तो अगर तो आप विंड की डायरेक्शन के साथ जाओगे तो वो इजिली आप चला लोगे, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो सेम थिंग हैपेंस कि आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सो मूवमेंट ऑफ द लीव्स, बैनर्स, फ्लैटरिंग ऑफ द फ्लैग्स, किसी भी चीज की मूवमेंट, किसी भी चीज का हिलना जो है, क्यों है? क्योंकि विंड ब्लो हो रही है. कैसे हो रही है? एयर के पार्टिकल्स, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट से हो रही है, और जो है वो एक फोर्स लगा रही है दूसरी चीजों पे जो कि उनकी मूवमेंट में रिजल्ट करती है. देन मूव, नेक्स्ट एग्जांपल इज कि जब हम अपने खुद की एग्जांपल लें कि अगर हम बहुत तेज विंड ब्लो कर रही है, अगर हम जाते हैं उस एयर में, तो हम भी अगर विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें भी चलने में या भागने में बहुत ही फोर्स लगानी पड़ती है. क्यों? क्योंकि हमारी जो एयर की फोर्स है वो हमें जो है वो रोकती है आगे जाने के लिए. सो अब हमें पता चल गया है कि एयर जो है एग्जर्ट करती है प्रेशर हर एक डायरेक्शन में. सो ये होता कैसे है? इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर. अब एयर जो है प्रेशर लगाती है चीजों में. क्यों लगाती है? क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पर्टिकुलर चीज के सरफेस पे जाके टकराते हैं. जब एयर के मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज के सरफेस पे टकराएंगे तो अपने उसके जो फोर्स है उस चीज पे ऑब्वियसली लगेगी ही. इसको अच्छी तरह से समझने के लिए लेट अस हैव एन एग्जांपल. देखिए, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इसकी शेप है सिलेंड्रिकल आपके सामने. तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने आपको बताया था एयर की प्रॉपर्टी का, वो यही है कि ये जो कंटेनर की शेप है ये मेंटेन है. क्यों है? क्योंकि जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है इस पे. देखो यहाँ पे बाहर से भी इस पे प्रेशर लग रहा है, ये है एयर जो कि प्रेशर लगा रही है बाहर से कैन के ऊपर. सिमिलरली जो एयर कैन के अंदर है वो भी अंदर से एयर प्रेशर लगा रही है बाहर वाली साइड. यही रीजन है कि जो टिन की, इसकी कंटेनर की जो शेप है वो स्टेबल है. अगर अंदर प्रेशर ना होता या अंदर एयर का प्रेशर कम होता, मींस क्या होता, डिफरेंस होता एयर के प्रेशर में, बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है अंदर से प्रेशर कम लग रहा है, तो क्या होता, ये जो कैन है वो अंदर को मुड़ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा. क्लियर? सो कोई भी चीज लाइक जैसे हम अपनी एग्जांपल ले लें, हमारी ह्यूमन बॉडी है ये बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है. क्यों? क्योंकि
अगर एयर के मॉलिक्यूल्स बाहर से हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो हमारी बॉडी को तो कंप्रेस हो जाना चाहिए था बिल्कुल, बट ये नहीं होते क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो भी इक्वल ही प्रेशर डाल रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ। सो जितना आउटवर्ड से इनवर्ड प्रेशर लग रहा है उतना ही इनसाइड से आउटसाइड भी प्रेशर लग रहा है, इसलिए हम इक्विलिब्रियम में है, हम स्टेबल है। अगर कभी भी डिफरेंस आ जाएगा एयर प्रेशर में, अगर कोई भी चीज बाहर से ज्यादा फोर्स लगाएगी अंदर से उतना फोर्स नहीं लगेगा एयर का, तो वो चीज कॉम्प्रेस हो जाएगी। और अगर ज्यादा प्रेशर एयर का अंदर वाली साइड से लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब हम बलून ब्लो करते हैं तो हम उसमें हवा भरते हैं, तो क्या होता है अंदर से जो है हवा भरी जाती है और उसके इनर वॉल्स पे एयर का जो प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता जाता है। अगर हम नहीं रुकेंगे तो अंदर का एयर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एंड में क्या होता है बलून बर्स्ट हो जाता है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे ये देखा है कि अगर एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा, अगर बाहर से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो चीज कॉम्प्रेस हो जाएगी, डिस्टोर्ट हो जाएगी उसकी शेप, और अगर अंदर से बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर लग रहा है एयर का तो वो चीज इट कैन बर्स्ट, तो वो फट जाएगी चीज। तो इसके रिगार्डिंग आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है टिन कैन की, तो उसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, हमने एक टिन कैन लिया और उसमें भर दिया है नॉर्मल वाटर। जब इस वाटर को, इस कैन को गर्म करा जाएगा फ्लेम के ऊपर, तब पानी जब बॉयल होने लग जाएगा, वाटर बॉयल हो रहा है पूरा, इसकी लिड ओपन है तो वाटर बॉयल हो रहा है, स्टीम बन रही है। इस स्टीम ने क्या किया, स्टीम बन रही है तो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे, नेचुरली मॉलिक्यूल्स बाहर भी है हवा में, वो अंदर को प्रेशर लगा रहे हैं, और जो कैन के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं बाहर की तरफ, तो कैन की जो शेप है वो स्टेबल है, ठीक है। तो जब वाटर के गर्म होने से स्टीम बनी, स्टीम ऊपर को राइज करी, तो उसने क्या किया, एयर के मॉलिक्यूल्स को बाहर राइज कर दिया, कैन के बाहर चले गए एयर के मॉलिक्यूल्स। तब हमने क्या करना है, जब वाटर बॉयल हो रहा है इसमें तो फ्लेम को कर देना है ऑफ, और फटाफट से उस पे लगा देनी है लिड, ऊपर से कैन को हमने बंद कर दिया। तो यहां तक क्या हुआ, वाटर बॉयल हो रहा था, स्टीम बनी, स्टीम ने एयर मॉलिक्यूल्स को कैन के बाहर भेज दिया, ऊपर कर दिया रेस, ऊपर से हमने लिड कर दी बंद। बट यहां तक भी जब लिड बंद हो चुकी है हमारी शेप कैन की स्टेबल है, क्यों, क्योंकि अगर बाहर से प्रेशर पड़ रहा है तो स्टीम का प्रेशर, स्टीम के जो वाटर के वेपर के मॉलिक्यूल्स है वो अंदर से भी प्रेशर इक्वली डाल रहे थे। बट फिर जब हमने उसको पे ठंडा पानी या फ्रेश वाटर डाला इस कैन के ऊपर, तब स्टीम क्या हो जाएगी, कंडेंस कर जाएगी, स्टीम दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चेंज होके यहाँ पे जो स्टीम थी पानी पड़ने के बाद यहाँ से वो फिर से वाटर में चेंज हो गई और नीचे चलेगी। तो रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ से स्पेस हो गई खाली, तो यहाँ पे कोई भी अंदर से प्रेशर एयर का नहीं पड़ रहा था, क्लियर। तो बाहर से फोर्स तो ऑलरेडी लग रही थी जिससे कि कैन की शेप जो है वो डिस्टोर्ट हो गई, कैन जो है हो गया कॉम्प्रेस्ड। तो यहां से हमें पता चलता है कि एयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है हर एक साइड से, जब तक कि अंदर और बाहर एयर होगी तो किसी भी चीज की जो शेप है वो स्टेबल रहेगी। अगर जो है अंदर वैक्यूम हो जाता है या प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर से प्रेशर जो है वो उस चीज को कंप्रेस कर देगा, अगर अंदर से प्रेशर ज्यादा होता है तो चीज जो है वो बर्स्ट भी हो सकती है। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर, दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। सो एयर की और ऐसी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज जानेंगे हम अपनी कमिंग वीडियोस में। अंटिल देन थैंक यू सो मच।